हेलो जी माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग सा डेकोर बनाना सिखा रही हूँ जो कि आपके अपने घर में मौजूद सामान से हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये जीन्स की पैंट ली है जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी। इसमें मैंने जो कि है कुछ लीव्स कट किए हुए हैं। अब मैं इस जीन्स की पैंट में ये ड्रॉ करूँगी। मैंने 3 किस्म के लीव अलग अलग साइज़ के लिए हुए हैं, एक छोटा है, एक इससे बड़ा और एक इससे बड़ा। और इन 3 किस्म के लीव्स को मैं जो कि है इस जीन्स की पैंट में ड्रॉ करूँगी। ये आप देख रहे हैं, मैंने इन 3 किस्म के लीव्स को जीन्स की पैंट में जो कि ड्रॉ करने के बाद मैं इनको जो कि है, ये बहुत सारे मैंने लीव्स जो कि ड्रॉ किए थे और इसको मैं काट दूँगी। ये सारे जो कि मैं इसको काट दूँगी। ये देखिए इस तरह के शेप में ये निकल आए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके बाद मैं इनको जो कि इस तरह से कट लगाऊंगी। इन सब पे जो कि है मैं इस तरह से कट लगाऊंगी थोड़े थोड़े फासले पे, और इस तरह से मैं सारे लीव्स को तैयार कर लूँगी। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसमें कितने भी लीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। ये देखिए मैंने ये सारे लीव्स जो कि है तैयार कर चुकी हूँ, और आप ये देख रहे कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लीव्स, और ये बिल्कुल जो कि स्मूथ से ऐसे लग रहे हैं, नेचुरल आपको लीव्स लगेंगे। इसके बाद मैंने ये रॉड लिए हैं, आपके पास कोई भी रॉड हो आप उसमें बना सकते हैं। मेरे पास ये 2 रॉड्स रखी हुई थी, मैंने इन्हें ज्वाइन करके एक जो कि डिज़ाइन सा बनाया है, और इन रॉड्स पे मैं जो कि ये जो कि रूप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सी भी, आप जूट की भी रस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। मेरे पास ये वाली रस्सी थी, मैंने ये वाली इस्तेमाल की है। इसमें जूट की रस्सी भी बहुत खूबसूरत जो कि इसको लुक देगी, लेकिन मेरे पास ये वाली रखी हुई थी तो मैंने ये वाली इस्तेमाल की है। इसको जो कि है मैंने, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको पूरी लकड़ी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कि है सिर्फ जो मेरे जॉइंट्स थे उन पे यूज़ की है ताकि मेरे जॉइंट्स भी छुप जाएँ और इस पे जो कि है एक जो कि खूबसूरती भी नज़र आ जाए, यानी कि एक डिज़ाइन सा भी बन जाएगा और जो कि है मेरे जॉइंट्स भी जो कि एक तो कनेक्ट हो जाएंगे और दूसरा जो कि डिज़ाइन सा भी बन जाएगा। तो मेरे पास इतनी रूप्स नहीं थी तो इस वजह से मैंने इसको थोड़े थोड़े हिस्से पे इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको पूरा ही कवर कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक तो इस जॉइंट पे जो कि है मैंने एक जो कि नॉट बांधूंगी, और उस नॉट बांधने के बाद जो कि इसका जो सिरा है वो मैं अंदर ही जो कि करके ताकि वो नज़र ना आए, और इस तरह से मैंने ये पूरी जो कि कवर कर ली। इसी तरह मैं इसके दूसरे हिस्से पे भी इसी तरह की नॉट बांधूंगी और उसे भी मैं सेम इसी तरह कवर कर लूँगी। इसके बाद ये मैंने जो कि रस्सियाँ ली थी, लेकिन मुझे जो कि मैं पहले ये सोचा था कि मैं इन रस्सियों से जो कि है इसके जो कि झालर बनाऊंगी, लेकिन फिर जब मैंने इसको लगाया तो मुझे ये झालर जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आए और एक नया लुक भी नहीं दे रहे थे। हालांकि मैं ये रूप्स काट चुकी थी, सारी रस्सियों को मैं काट चुकी थी, इस तरह से मैंने करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो ये जो कि इतने जो कि है लॉन्ग भी नहीं लग रहे और झालर भी नहीं बन रहे सही से, तो मैंने जो कि है ये रूप्स हटाने के बाद मैंने जो कि है धागे का इस्तेमाल किया जो कि इस तरह के धागे का, देखें जो कि मेरे पास ऊन का धागा पड़ा हुआ था, ये मैंने डबल करके इस्तेमाल किया है ताकि जो कि झालर बिल्कुल सही तरीके से जो कि लटके। वो जो रस्सी थी वो एक तो लंबाई में छोटी थी और लटकने में वो लटकन कहीं से भी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको रिमूव करने के बाद मैंने ये जो कि है ऊन के झालर इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हमारी जो जीन्स है वो भी बिल्कुल लाइटली वेट की है और ये जो ऊन के ये रस्सियाँ हैं ये इसको आराम से कैरी कर सकती है। अगर कोई भारी चीज़ होगी तो वो ऊन की रस्सी जो कि कवर नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैंने इसमें ऊन की रस्सी ऊन इस्तेमाल की है, और इसको जो कि प्रॉपरली इस तरह से डिस्टेंस से थोड़े थोड़े डिस्टेंस से मैंने लंबे लंबे से झालर इसके ऊपर लगा दिया। देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो।
आपके घर में ऊन नहीं है, आप इसको किसी भी मोटे धागे से भी कवर कर सकते हैं। आपके घर में जीन्स की पैंटें बेकार पड़ी हुई होती हैं, जीन्स नहीं है, आप कोई भी ऐसा फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अच्छी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास रस्सी नहीं है तो आप जो कि इसको किसी भी जो कि लेस से कवर करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है। आपके पास जो कि आपके घर में जो सामान पड़ा है आप उसी से इसको बना सकते हैं और उसी से आप जो कि ये बहुत खूबसूरत सा ये पूरा आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये आपके ऊपर है कि आप इसमें अपना क्या सामान इसमें जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा ये देखें, इसके बाद मैंने इसे जो कि ग्लू से जो कि लगाया। अच्छा ग्लू से मैंने लगाया था और लग भी गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये ग्लू से इतने जो कि परफेक्ट नहीं लगेंगे, यानी कि ये निकल ना जाए, क्योंकि मुझे इसको जो कि लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करना है, तो ये ना हो कि मैं इसको लगाऊं और ये जो कि है निकल ना जाए। तो इस वजह से मैंने पहले तो इसको ग्लू से लगा दिया, उसके बाद मैंने जो कि इसको ग्लू गन से भी इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद मैंने इसमें जो जो जर्मन होता है ना, जर्मन ग्लू जो होता है वो भी इस्तेमाल किया। यानी कि आपको इसको ग्लू गन से लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास ना ग्लू गन है ना आपके पास ग्लू है और आप जो कि ये बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इससे भी बेटर आइडिया दे सकती हूँ कि आप इसको जो कि सुई धागे से भी पीछे से कवर कर सकते हैं और वो आपका ज़्यादा जो कि मजबूत बनेगा और लॉन्ग टाइम इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से मैंने ये जो कि झालर जो कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगा दिए अपने लीस इस झालर के ऊपर, और इसको मैंने ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने ये तीन साइजेस के बनाए थे, तो जो सबसे बड़े वाले जो लीव्स थे वो मैंने नीचे लगाए हैं ताकि झालर में वो ज़्यादा जो कि नुमाया नज़र आएंगे। और मैंने सारे लीव जो कि नीचे लगा दिए, जो मेरे बड़े बड़े लीव्स थे वो सब मैंने नीचे लगाए, इससे जो बड़े थे वो मैंने इससे थोड़े ऊपर लगाए डिस्टेंस से, इससे जो छोटे थे उससे जो कि मैंने ऊपर लगाए डिस्टेंस से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये लगा तो दिए थे, लेकिन अगर आप ये लगा रहे हैं तो आपको मैं कहूँगी कि ये लगा लें ताकि आपके ये लीव्स निकलेंगे नहीं और आपको काम करने में भी आसानी होगी कि आप इसके पीछे आप कुछ भी लगा लेंगे तो ये लीव्स निकलेंगे नहीं। आपका जो कि एक इमेज जो कि जो आप के कह सकते हैं ढांचा जो है तैयार हो चुका होगा, तो आपको जो कि लगाने में जो कि आसानी होगी। इस तरह से मैंने सारे लीव्स जो के जल्दी जल्दी से लगा दिए थे, ठीक है। देखिए मैंने सारे जो के है जल्दी जल्दी से इसके ऊपर लगा दिए हैं ताकि जो कि मुझे समझ में आ जाए कि जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो किस तरह का दिखेगा मुझे, और मैंने इसके अंदर और मज़ीद क्या काम है इसमें ऐड कर सकती हूँ। इस वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लिया है, और ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। जब आप इसको लगाएंगे, जब आप इसको बनाएंगे, तो आप जब अपने कमरे में इसको लगाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इसमें इतनी ज़बरदस्त सी लुक आई। ये देखें, इसके बाद मेरे पास जो कि चिकोर किस्म के मिरर रखे हुए थे जो मैंने जो कि डिस्टेंस वाली जगहों पे लगाए हैं। पूरी डिस्टेंस वाली जगहों में मैंने इसको कवर नहीं किया, मेरे पास जितने थे मैंने उतने में इसको जो कि कवर कर दिया। और इसके बाद मैंने मेरे पास ये लेस रखी हुई थी जो कि मुझे ऐसा लग रहा था खाली खाली सा ऊपर सा, तो मैंने इस पे जो कि लेस लगा दी ताकि जो कि खूबसूरती की खूबसूरती भी हो जाएगी और जो मेरी खाली जगहें हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। तो मुझे ये लेस सही लगी, इसके मुकाबले में जो मेरा थ्रेड था उससे जो कि मैच करती हुई थी, तो इस वजह से मैंने ये ग्रीन इस्तेमाल किए। और अब आप इसको देखें इतना खूबसूरत सा लुक इसका है, ये देखेंगे मैंने जो कि टांग के इसको पूरा लिया है, ये देखें कितने लंबे लंबे से झालर है इसके। और ये मेरे पास जो कि है ये जगह थी, इसी जगह को देख के मैंने जो कि ये बनाया था ताकि मेरी इस जगह के उस पे मैंने ये पूरी रॉट वगैरह अरेंज की थी। और ये देखें कितना खूबसूरत सा प्यारा सा लुक आ रहा है। और ये I cannot fuck with you, baby. You